नमस्कार दोस्तों, सबका आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज बीपीओ। देखिए, बीपीओ इन जनरल हम लोग जब सुनते हैं तो हमको हमारे दिमाग में यही आता है कि बीपीओ का मतलब एक कॉल सेंटर होता है, जिसका मतलब एक्चुअली कॉल सेंटर नहीं होता है। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब ये है, एज फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिस कंपनी के पास अपना हेडेक संभालने के लिए टाइम नहीं है, वो क्या करेगा, अपने जो हेडेक है, अपना जो हेडेक है, अपना जो लाइबिलिटीज है, उसको आउटसोर्स करके दूसरी कंपनी को ले लेगा। और वो कंपनी क्या करेगा, उस हेडेक को वहाँ पे प्रोसेस करेगा। और उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्स कंपनी, जो कि है बीपीओ। एज फॉर एग्जाम्पल लिनोवो बोल के कंपनी है, आप लोग सब जानते हैं, या फिर कोई भी एक कंप्यूटर कंपनी, या फिर कोई भी एक आई टी कंपनी, या फिर कोई भी एक सेलफोन कंपनी, अपने प्रोडक्शन और अपने क्वालिटी टेस्टिंग के ऊपर फोकस करके एक प्रोडक्ट उसने डेवलप किया। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद उन लोगों ने उसको मार्केटिंग किया, उसको मार्केट में बेच दिया। बेचने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज आया, तब जाके उस कंपनी ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी कंपनी को अपना जो भी कॉल्स हैं, अपना जो भी कस्टमर हैंडलिंग प्रोसेस है, उसको डाइवर्ट करके दूसरे कंपनी में दे दिया। लेकिन ये काम जो है उस कंपनी के लिए किया जाएगा जो कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, और वो कंपनी जो है इससे पेमेंट लेगा और कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा अपने क्वेरीज को सॉल्व करते हुए। इसके अलावा अगर वो कस्टमर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है और कस्टमर के उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, तब जाके मेन कंपनी उससे बात करेगा। लेकिन वो जो कंपनी का हेडेक है, आउटसोर्स करके जिस कंपनी को दे दिया गया है, उस कंपनी को बीपीओ बोला जाता है, क्योंकि उसको आउटसोर्स करके अपने कंपनी से वहां पे भेजा गया है। वो कंपनी जो है इस कंपनी के साथ काम करेगा, काम करके अपना पैसा लेगा। वो जो पेरोल में रहेंगे वो अपने पेरोल में रहेंगे, और ये कंपनी उस कंपनी को अपना एक पेमेंट अमाउंट प्रोवाइड करेगा इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सेम इसी तरीके से जितने भी टेलीकॉलर कंपनीज हैं, वो सारे टेलीकॉलर्स कंपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी होता है जो कि बड़े बड़े कंपनीज को हेल्प करता है। इसमें नॉट ओनली टेलीकॉलिंग, बैक ऑफिस का भी सपोर्ट कराया जाता है, डेटा एंट्रीज किया जाता है, दूसरे कस्टमर्स को आउटबाउंड कॉल्स किया जाता है। ये सारा ना बड़े बड़े कंपनीज को सर्विसेज में हेल्प करने के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज काम करती हैं। आजकल तो इस तरीके का सर्विसेज भी आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब पोर्टल है, इसमें अगर आपको कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए या फिर किसी तरीके का फीडबैक देना है, उसमें भी एक थर्ड पार्टी कंपनी को दिया जाता है, वो कंपनी इस कंपनी के बिहाफ में काम करता है। इसी तरीके से बीपीओस को डिवाइड किया गया है, और इसी का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस एंड आउटसोर्सिंग, इसका मतलब है बीपीओ। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज बीपीओ और बीपीओ कैसे काम करता है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप उसको जरूर जस्टिफाई कर पाएंगे। अब तक के लिए यहाँ तक हम बीपीओ का एंड करते हैं। अगर बीपीओ से रिलेटेड और भी कुछ आपको जानना है और बीपीओ से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों को आपको समझना है, तो हमें कॉमेंट जरूर करें, हम आपको उसके ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और हम आपके लिए इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक यू।